मझोली जनपद पंचायत के प्रज्ञा भवन में लगने वाली जन सुनवाई जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो जन सुनवाई में समन्वयक अधिकारी रोशनलाल गुप्ता एवं राम बहोर सांकेत एवं ओपी तिवारी के अलावा कोई कर्मचारी नहीं मिले। यहां पर अफसरों के लिए रखी गई कुर्सियां ही फरियादियों की फरियाद सुन रही थी। मझोली जनपद पंचायत में लगने वाली सुनवाई में 30-40 किलोमीटर से दूर से आए आवेदनार्थी अफसरों का इंतजार करते रहे। इसी तरह अन्य योजनाएं भी लगभग एक वर्ष से फ्लॉप हो रही हैं, चाहे वह अन्न उत्सव हो, चाहे स्वच्छता मिशन हो, चाहे हितग्राही मूलक हो। कार्यक्रम सभी केवल नाम मात्र के लिए हैं, जो कागजी कार्यवाही एवं फोटो तक ही सीमित रहते हैं। यहाँ तक कि जन सुनवाई में दिए गए आवेदनों को ना ही ऑनलाइन किया जाता है, ना ही निराकरण। ऐसा मामला सबसे ज्यादा जनपद पंचायत मझोली में देखने को मिला है। अब देखना यह है कि इन अफसर शाहों पर क्या कार्यवाही होती है, क्या गरीबों को न्याय मिल सकेगा। मझोली से अंकित कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। किस ग्राम से हैं? किस लिए आए हैं आप? ये चौथा किस्त नहीं मिला है आवास का, हमारे पिताजी का नाम से जी। तो आवेदन दिए आप? नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? कोई बैठे ही नहीं है। लोकपाल सिंह, आप किस ग्राम से हैं? मुढ़ेरिया। मुढ़ेरिया से हैं? हाँ। यहाँ किस लिए आए हैं? ये हम आए हैं खसरा में, नाम हमारा लोकपाल सिंह है, त्री लोकपाल सिंह हो गया है, त्री को सुधरवाने के लिए आए, कटवाने के लिए। तो इसकी शिकायत लेकर आए हैं? हाँ, इसकी शिकायत लेकर आए हैं। तो क्या है अब? अभी तो सब कोई साहब है ही नहीं है, बैठे हैं। मझोली नगर परिषद में स्वच्छता के नाम पर 1 करोड़ से अधिक राशि का घोटाला सामने आया है, जहां पर नगर परिषद में लगभग 2000 शौचालय निर्माण कराए जाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें आधे अधूरे शौचालय निर्माण कराकर लगभग नगर पंचायत को ODF करा दिया गया, वह भी बिना वार्ड पार्षदों के प्रमाणीकरण के। आपको बता दें कि नगर परिषद में लगभग 700 शौचालय NGO एवं टेंडर के माध्यम से एक स्वयं वार्ड पार्षदों एवं अध्यक्ष पद के सगे संबंधी द्वारा बनाने थे, जिसमें से लगभग 400 निर्माण कराकर पूरी राशि ले ली गई। 75% शौचालयों में गड्ढों का निर्माण नहीं कराया गया, जिससे आदिवासी बस्तियों में लोग 100% शौच के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। वहीं ये तथ्य भी सामने आया है कि जो पुराने शौचालय बनवाए थे उपयंत्री प्रभुनाथ पटेल द्वारा, उन्हीं का कमीशन के दम पर भुगतान करा दिया गया, लेकिन विधवा एवं गरीब अपने गहने गिरवी रख कर निर्माण करा रही हैं, उन्हें आज तक राशि प्रदान नहीं की गई। बढ़ते विरोध को देखकर उपयंत्री अपना स्थानांतरण कराकर नगर परिषद मझोली से रामपुर चले गए। इधर बिहारी रजक पिता कुईसा रजक का कहना है कि हमारा शौचालय नहीं बना है एवं पैसा निकाल लिया गया है, जिसकी शिकायत जन शिकायत मझोली CMO मझोली के पास एवं SDM मझोली के पास की और 2 बार CM हेल्पलाइन 181 पे भी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। परसीली मझोली से अंकित कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। आपका? बिहारी लाल रजक, बाप का नाम कुईसा रजक, वार्ड क्रमांक 8। क्या समस्या है आपकी? समस्या शौचालय नहीं बना है, पैसा निकाल लिए हैं, शिकायत करने पर कोई सुनता नहीं है। कहाँ कहाँ आप शिकायत किए? शिकायत जन सुनवाई में किए, CMO साहब को किए, CO साहब को पहले किए थे, फिर कलेक्टर के पास भी गए, 181 में शिकायत 2 बार कर चुके, लेकिन कहीं कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा है। वहाँ का जो शौचालय जितना बने हैं तो पूरा जो है तो मतलब है गड्ढा है, उनकी भसक गई है, गड्ढा बना था तो भसक गया है पूरा एकदम, उनके अंदर ऐसे बनाए कि अंदर जाने में एकदम मतलब नहीं पड़ता है। कई शौचालय गिर पड़ भी चुके हैं, क्या कहेंगे आप? अरे तो उनको हम कई बार ठेकेदारों को बताए कि अच्छा काम करना, तो ठेकेदार मतलब जो है तो के बारे में मतलब काम इतना घटिया किए हैं कि एकदम आज तक में देखे तो पूरे शौचालय में कोई जाता नहीं है। अच्छा, और ज्यादातर गिरे हुए हैं? पूरे गिर गए हैं।